जैसल नहीं, 12 जिला 1156 में 850 साल पुराना किला है। ओल्ड टाइम में राजा बाहर रानी अंदर मुंबई, अभी उल्टा रानी बाहर राजा अंदर। ये अपना जैसलमेर फोर्ट का पहला गेट। द एंट्री व्यू ऑफ जैसलमेर फोर्ट, ये ऊपर से भी जाके हम लोग वीडियो बनाएंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं जैसलमेर फोर्ट पे और यहाँ पे हमने गाइड किया है। गाइड के सहारे में आपको सारा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे आइडिया ही नहीं मिल रहा था किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसलिए मैंने 200 रुपये में गाइड किए, 200 रुपये के टिकट लगे और अपना पूरा जैसलमेर फोर्ट घूमना है यहीं से। स्टार्ट करते हैं जैसलमेर फोर्ट की कहानी। बाकी जो भी है डिटेल में, जो अगर गाइड अपना वीडियो बनाने देता है तो अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर दूँगा, जैसे भी होगा वो करेंगे। सो दैट्स स्टार्ट। किला बना था राजा जैसल ने 12 जिला 1156 में, 850 साल पुराना किला है। ये वाला पार्ट राजा के महल का, ये वाला पार्ट रानी के महल का। राजपूताने में घूंघट सिस्टम, रानी बाहर देख सकते हैं, रानी को देखना अलाउड नहीं था। अभी छोटी छोटी जाली है, राजा लोग खुले में रहते थे, राजाओं के लिए ओपन विंडो। अभी राजा है, उनका नाम है चैतन्य राज सिंह। अभी राजा किले के बाहर रहते हैं। दशहरा गणगौर का मेला होता है तो राजा यहाँ पर आते हैं। उधर में व्हाइट मार्बल सीट है सीढ़ियों के ऊपर में, यहाँ पर बैठते हैं। लेफ्ट साइड में कजन अंकल बुधर, राइट साइड में दीवान मिनिस्टर और यहाँ पर लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता है। ये वाला है चामुंडा माता का मंदिर। दशहरे के दिन यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है। 1974 में मूवी बनी थी रेशमा और शेरा, उसमें सुनील दत्त ने ओपन में दिखाया था और 1980 में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। आज भी मेला होता है पशु बलि का बैन। पहले चलेंगे मेन किले। चलो लेट्स गो टू मेन किला। ये राजा का महल है, ये रानी का महल है। मंदिर दशहरा गणगौर का मेला होता है तो यहाँ से। अच्छा यही है ना चामुंडा माता के मंदिर। यह है राज महाराज महल, महाराजा महल। इस म्यूजियम विजिटिंग आवर्स यहाँ से हम लेते हैं टिकट। चलो दिखा जाओ, 200 रुपये का टिकट लगा, अभी तक कोई टिकट नहीं लगा। जो काम सोने चांदी और कपड़े पर होता है वे काम स्टोन पर। लेडीज के इयररिंग्स बने झुमकी डिजाइन के, मिडिल वाली बालकनी में। अच्छा, मिडिल मतलब यहाँ का स्टोन सॉफ्ट है, कैसे भी नकाशी कर सकते हैं। अच्छा, जैसा सब कार्विंग होती है। तो ये पुराना है, 16वीं-17वीं शताब्दी का, तो डार्क है। ये नया है, 19वीं-20वीं सेंचुरी की वॉल है, तो नया होगा, अपना ब्राइट दिखेगा। अच्छा, ये पुराना है ये नया है। माइंड योर हेड, इतना ही है। अच्छा, ये सोल्जर हेलमेट हो गया था। ये राजा लोगों की तलवार है जो पुराने जमाने वॉर में काम में आती है। ये राजाओं के पेरेंट्स के लिए गुप्ती है, छड़ी के रूप में भी काम आती है, अंदर में गुप्त हथियार है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ओके, पुराने जमाने की कैमल बाग रहे हैं, ऊंट की मोहरी, ऊंट की नकेल जो नाक में से बात करते हैं, ऊंट की मोहरी। ये घोड़े का चाबू के हॉर्स पे फांटा। ये राजाओं की तलवार है जो पुराने जमाने बलि देने में काम में आती। ये स्पेयर हेड है भाले का सिरा, फ्रंट पोर्शन भाले का, इसी से बलि दिया जाता था। चलो चलो चलो, ये गन पाउडर फ्लास्क है, ओल्ड टाइम की गन पाउडर स्टोर करके युद्ध में साथ में लेके जाते थे। बड़े पिस्तौल बड़े राजकुमार के लिए, छोटे पिस्तौल छोटे राजकुमार के लिए, खिलौने के रूप में। ये ओरिजिनल दसोड़ी ढाल तलवार बाजी सीखने के काम है। ये वाले गलत के कैमल है, कैमल के ऊपर में दो सन्नी बैठे, आगे वाले सन्नी के कंधे के ऊपर आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला पैर के हिंदी में कहावत, दूसरे के कंधे पर रख के चलाने वाले। अच्छा, ये दूसरे के कंधे पर रख के चलाने वाले, मतलब दो आदमी मिलकर चलाते थे। तीर कमान धनुष दीवान खाना। सो नेक्स्ट गोइंग, वी आर गोइंग टू दीवान खाना। आइए सर जी, ये वाला पार्ट गलत है, दीवान है खास। ओल्ड टाइम में जब भी कोई राजा एक्सपायर हो जाए, हाँ, उसके बड़े राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाकर राज्य अभिषेक यहाँ पर करते हैं। ये पूरा सॉलिड चांदी का, पीछे अम्ब्रेला सॉलिड गोल्ड का, राजगद्दी पर यहाँ पर राजा का राजलग होता है। 15 जनवरी 2021 में महारावल चैतन्य राज सिंह का राजलग यहीं पर हुआ। अच्छा, यहीं पर राजतिलक होता है ना जी। तलवार गद्दी पे इतने सौ जीवित है, राजा जीवित को दर्शाती है। अच्छा, और पूरी चांदी का बना हुआ है, पूरा चांदी, अम्ब्रेला सोने का, अम्ब्रेला सोने का और चांदी का जी। नेक्स्ट दीजिए। एंड नाउ हम लोग अब अंदर तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये
ये वाला पार्ट के लगता अनाउंसमेंट भरपूर, ये वाला जो है सामने ना खड़े रहते थे, फेस्टिवल की सूचना नगाड़ से देते थे। अच्छा, एक की डिफरेंट रिंग, यहाँ से डिफरेंट रिंग, उससे पब्लिक एक्टिवेट होती है। ओल्ड टाइम में मोबाइल रेडियो टेलीविजन नहीं होते, ड्रम बजा के सूचना थी, तो ये अनाउंसमेंट था। अच्छा, सब चलेंगे वहाँ, पूरा जैसलमेर दिखेगा। ठीक है, त्रिपोलिया तो ये टाइम ये काउंटर ऑफ जैसलमेर जिन्होंने किला बनाया, जैसलमेर किंग मेरू माउंटेन, जैसलमेर जोधपुर, जोध सिंह जयपुर, जय सिंह महारावल, जैसलमेर उदयपुर, जैसलमेर जैसलमेर जैसलराज 1156 में राजगद्दी पर बैठे, 1167 में एक्सपायर हो गए। इनका रूलिंग टाइम है जनवरी मृत्यु का नहीं, 12वीं शताब्दी से 1164 तक काल्पनिक फोटो है, क्योंकि पुराण गौरव चित्र का नहीं ले, तो ये कल्पना की है। फैमिली ट्री, अच्छा राजा की फैमिली ट्री, भगवान से 159 पीढ़ी चल रही है, जैसल से 44 पीढ़ी, कृष्ण भगवान के वंशज चंद्र वंश। ओके, ये भी रिप्रेजेंट किए नाम है चैतन्य राष्ट्रीय, जिंदा है, किले के बाहर रहते सिटी में। ओके, ये किले के बाहर रहते सिटी में, अभी ये जिंदा है। यहाँ तक काल्पनिक फोटो ये राजा हुए, इनका नाम था शालिवान सिंह जी, 7.5 फीट लंबाई, गाय 200 किलो, 21 रानी, अभी लोग बोलते हैं 1 रानी 16 परेशानी, पहले 21 रानी 9 परेशानी, तो इनका नाइट का ऊपर देखेंगे। ये सही है, पहले 10-12 तो कॉमन था ना, अब एक भी कॉमन नहीं है। यहाँ सिर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मूर्ति कक्ष, तो उसके अंदर में जो भी मूर्तियां हैं 15वीं शताब्दी की है, 550 साल पुरानी बेल डांसर कुलदक नृत्यांगना मर्यादा पुष्पम राम भगवान की, आईने में पेश देकर अपनी मांग भरी दर्पण दर्शन, ऊपर में सब डांसर में सब, ये 15th सेंचुरी की, ये सारा जो है पीछे भी है ना, ये लॉर्ड वामन है, विष्णु का वामन होता, ये सरस्वती माता विद्याधारी, तो ये लॉर्ड वामन और ये सरस्वती माता, ये 500 ईस्वी पुरानी मिलती, मतलब 500 ईस्वी की है, 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी, अच्छा 15th सेंचुरी की है। तोते के द्वारा मैसेज छोड़ रही, इमोशनल मदर, बच्चा अपनी माँ, माँ बच्चे को देख रही, राधिका कंसर्टेड टू गॉड कृष्णा, तो राधिका की ये बातें, लेडी बात सवार रही है, लेडी राइटिंग लव लेटर, पत्र लिख रही है भाव गोल नृत्यांग में, डेवोटेड डांसर, होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इस चौक को बोलते हैं के विलास। ओल्ड टाइम में राजा बाहर रानी अंदर मूवमेंट, अभी उल्टा रानी बाहर राजा अंदर। हाँ, यहीं पे होली खेलती थी ना पहले के जमाने में, रानियां यहीं पे होली खेलती थी, इसे कहते हैं अखे विलास, और यहीं से रानियां झांका करती थी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये जो छोटे छोटे खिड़कियां है ना, इसी से रानियां झांका करती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको कोई नहीं देख पाता था। यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है ना, यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है, ये सामने वाली है पटवा हवेली, काले दरों के दिख रहे हैं चॉकलेटी कलर वाला, हाँ हाँ, ये पटवा हवेली वर्ल्ड फेमस कार भी नहीं, आप जा सकते हो। अच्छा, पटवा हवेली है, इंडिया का लास्ट रेल स्टेशन है जैसलमेर रेलवे स्टेशन, जो व्हाइट लाइन ग्राम है ना, ट्रेन दिख रही है लास्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेन यहाँ से नहीं जाती। मेरी सर झील है, तालाब जो पानी दिख रहा है, मैया का लेक है, ओल्ड टाइम में पानी होकर वहाँ से लेके आते हैं। अच्छा, ये ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है, पूरा शहर कहते हैं राजपूत में रहते हैं, ब्राह्मीण पूजा पाठ वाले वेज उधर है, गाँव के जिधर है राजा रानी बीच में मिक्स हुआ, अभी भी वैसे ही रहते हैं इधर, नहीं नहीं तो इधर नॉन वेज राजपूत लोग रहते हैं, और इस तरफ जो रहते हैं इधर पूरा ब्राह्मण रहते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं। अभी जो राजा रहते हैं यहाँ से 45 किलोमीटर, सम रेत के टीले रेजर जाके आओ, नहीं यहाँ से 45 किलोमीटर है, और यहाँ से 150 से बॉर्डर पाकिस्तान की सीमा ये है, और यहाँ से राजा जहाँ रहते हैं सामने जो दिख रहा है ना वो राजा मंदिर है, और ये जो पत्थर है ना ये मुगलों का सिर फोड़ने के काम में आता था, इसे फेंक दिया जाता था ना उनके ऊपर, नाली में से गर्म जब भी कोई दुश्मन आता था और इसमें से पत्थर, अच्छा नाली में से गर्म पानी ऊपर से पत्थर, गर्म पानी उन दुश्मन का शरीर जलाने के लिए, वो बॉल उनके ऊपर में फेंकते थे सिर फोड़ने के काम। ओके, ये एंट्रेंस आप यहीं से ऊपर ऑटो में रहता, दिल्ली में पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट। अच्छा, ये पहला गेट, दूसरा गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट। अच्छा, ये चौथा गेट है, ये सामने जो है अभी जो करंट राजा है सामने जो है यहाँ रहते हैं, हाँ यहाँ पे रह रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है, और ये
इस पार्ट में रहते हैं, और इधर जो रहते हैं सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं वो। और इस पार्ट में जो रहते हैं जो वेज के नॉनवेज खाते हैं राजपूत लोग, सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और बस सामने दिख रहा है अपना, बस सामने दिख रहा है जैस लास्ट रेलवे, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन जो कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन है। ये जैसलमेर का पूरा व्यू है यहाँ से, ये सामने देखो जैसलमेर का पूरा व्यू। जैसे मैंने बताया कि इधर ब्राह्मण रहते हैं, और ये वाले जो पत्थर देख रहे हो यहाँ से फेंकते हैं जब भी कोई दुश्मन मुगलों के जहाँ जो भी दुश्मन आता था उनके सर फोड़ने के लिए फेंकते थे यहाँ से, गर्म पानी तेल नाले से फेंकते थे। और इधर ये राजपूत लोग रहते हैं जो नॉनवेज खा सकते हैं, और वो है इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ से आगे अब कोई ट्रेन जाती नहीं है जैसलमेर। पूरा व्यू है जैसलमेर का। चलते हैं यहाँ से आगे। सर्वोत्तम विलास आप लगती हो, आज सीट लग गई दीवाने आम वाली जो सीट लग रही है आज लगी। अच्छा, अभी आप आए, उससे पहले मैं आया था तब सीट नहीं थी। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखा था, ये राजाओं का पुराने जमाने का बेडरूम था 19th century तक। ये लंबे चौड़े राजा का गाउन है, राजा जब भी बेड पर सोते थे पांव बाहर रखते थे, कोई भी दुश्मन राजा को रस्सी से बंदी बना दे सडनली घुटनों के बल पर बैठ लेके खड़े हो सके, कभी बेड से पांव नीचे रखते थे। खाना पीना चांदी में, खाने में जहर मिला दे, चांदी में कलर चेंज हरा या नीला तभी खाना पीना चांदी में कर दे, चांदी के सोफे चांदी की टेबल 19th century तक रॉयल फैमिली का बेडरूम। ये जो भी टाइल है ये हॉलैंड साहब के बेड़े जमा। अच्छा, ये वाला तो इतने बड़े कपड़े क्यों हैं? ये इतने बड़े लंबे जोड़े ज्यादा थे ना। अच्छा, सलीमान सिंह 7.5 फीट वाले उनके। अच्छा, उनके ओरिजिनल है जी। उदयपुर महाराणा कुंभा 8 फीट, जयपुर सवाई मान सिंह माधव सिंह 7 फीट के, जैसे राजस्थान में रहे राजा जी लंबे जोड़े। 19th century का टॉयलेट है यही अंदर से। अच्छा हाँ, मुझे दिख रहा है, पहले ऐसा हुआ करता था, अगर दिख रहा हो तो कहाँ पे था वो, नीचे चला जाता होगा ना। अब यहाँ से चालू होता है रानी का महल, ये जो है रानी का महल है। चलते हैं अभी यहाँ से। शिव गौर पार्वती गौरी पार्वती माता, होली के बाद मेला होता है गंगोर पूजा। हेलो मैडम, इनका पूजा होता है? आज भी होता है। अच्छा, इनका पूजा आज भी होता है होली के बाद ना। ये जोधपुर किले का नक्शा है, किले का मतलब जैसलमेर किले का नक्शा है। बेटा एक मिनट, एंट्रेंस फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, यहाँ से घुसे राजा के महल में, अब रानी के महल। ओके, अभी हम रानी के महल में हैं। ये जैसलमेर फोर्ट का नक्शा है पूरा। एक हटो, ये महारानी का कक्ष है, ये जो है महारानी का कक्ष है। अच्छा, यहाँ पे खेलते लेडीज कॉस्ट्यूम है, ये जेंट्स कॉस्ट्यूम बताया। अच्छा, महारानी यहाँ पे, बाकी की रानी साइड में, जितने okay. रानी उतना कमरा। ओके, यहाँ पे खेला करते थे चौपट। ये है रानियों का महल, जो जितनी रानियां उतनी महल। ये अनूप महल है, ये अनूप महल है, अनूप तो रानी का कमरा, उसका महल उसका कमरा। अच्छा, अनूप महल कह रहा था। ओके, जैसलमेर फोर्ट के पीछे का ये पार्ट है, तो पीछे आगे जो भी हो गलियों का पार्ट है। आ जाओ देख, तो जैसलमेर फोर्ट की कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये अपना बाहर से व्यू है जैसलमेर फोर्ट का। कैनन है, ये कैनन पॉइंट है, और यहाँ से सिटी व्यू है, सामने पूरा सिटी दिख रहा है जैसलमेर। जैसलमेर का स्टेशन रेलवे स्टेशन जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है, पानी की टंकी के पास दिख रहा होगा, मुझे मोबाइल में भी नहीं दिख रहा धूप की रोशनी की वजह से। और ये पूरा व्यू है सिटी का जो ऊपर मैंने वहाँ से दिखाया था,
सामने है। जो भी गाइड ने बताया मैंने सब दिखाया आपको, तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।